हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त एडमिशन वाला एक बार फिर से हाजिर एक नए वीडियो में। तो हमने पहले दो पार्ट में देखा था कि हमने रजिस्ट्रेशन किया था, हमने प्रोफाइल भी कंप्लीट कर ली थी और अब हम स्कीम वाइज देखेंगे कैसे एप्लीकेशन करना है। एक स्कीम को सैंपल एप्लीकेशन करके मैं दिखाऊंगा। बहुत सारा काम हमने किया है, सिर्फ हमें एप्लीकेशन करना है। बात की जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेगी तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आगे कैसे होगा, फॉर्म अप्रूवल कैसे होगा, उसके बाद क्या होता है। तो फंड रिलीज तक हम पूरी स्टेप जैसे जैसे आएगी हम उस पर भी वीडियो बनाते जाएंगे। तो पहले सभी के मन में एक क्वेश्चन था कि किसे भरना है ये फॉर्म्स और किसको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने कॉलेज में अभी एडमिशन लेते समय फीस में कंसेशन लिया है उन सभी को तो ये भरना ही है, और बाकी जो लोग एप्लीकेबल है आप जिसके लिए अगर आप एलिजिबल हो तो फिर आपको भी स्कीम्स के लिए फॉर्म भरने हैं। जो सभी स्कीम लगभग उन्होंने सभी स्कीम इसमें कवर कर ली है जो महाराष्ट्र शासन चलाता है, वो सभी स्कीम इस पोर्टल पर अवेलेबल है। आप देख सकते हो वहाँ पे स्कीम डिटेल्स भी वहाँ पे है, तो आप देख सकते हो और स्कीम के हिसाब से फिर आप आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर आप उसको एप्लीकेशन कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज को अगर आप छोड़ दे तो बाकी के जो कॉलेजेस है वो आप पे आपके फी पे ही रन होते हैं, तो फिर आपको फी का आपका भुगतान होता है आपके फ्रीशिप स्कॉलरशिप के जरिए कॉलेज को होता है। तो आपको फीस आपके लिए कंसेशन वो मिलता है, लेकिन कॉलेज को तो पर स्टूडेंट्स के लिए फीस मिलती है। आपके फ्रीशिप स्कॉलरशिप से ही गवर्नमेंट आपकी फीस वहां पे भरता है, तो आपको उतना फायदा वहां पे होता है। तो आपको ये फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी, क्योंकि आपके इस फॉर्म के थ्रू ही गवर्नमेंट ऑफिस कॉलेज को मिलेगी। अगर आपने ये फ्रीशिप या स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा तो फिर गवर्नमेंट आपकी फीस नहीं कॉलेज को देगा और फिर कॉलेज आपसे फी का भुगतान करने के लिए बोल देगा, तो फिर आपको फुल फीस पेड करनी होगी। तो जिस स्टूडेंट्स ने अभी फॉर्म भरने के पहले मतलब एडमिशन करते समय ही कंसेशन लिया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मेरे रिक्वेस्ट है कि आप फ्रीशिप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरो ताकि फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल आपको फ्रीशिप स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है और आपको 10th अक्टूबर 2019 तक का समय है फॉर्म भरने के लिए, तो इतनी देर तक जो आपको रहने की जरूरत नहीं। आप जल्द से जल्द अभी आपका कॉलेज अब शुरू होगा, अगर आपका आप अगर कंटिन्यू हो गए हो, आप थोड़ा सा सेटल हो गए हो कॉलेज में, तो फिर आप इसके लिए शुरुआत कर सकते हैं। हर कॉलेज में इसके लिए अलग डिपार्टमेंट भी है और तो वो लोग भी आपको ये फॉर्म भरने में मदद करते हैं, आपको स्कीम सिलेक्शन में भी वो मदद करते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां पे बहुत सारी स्कीम दिखती है तो फिर पता नहीं चलता कि मैं कौन सी स्कीम भरूं और समझ में नहीं आता है, लेकिन वहां पे अगर डिपार्टमेंट वाइज आप चले जाओगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो 12th में भी इसका उपयोग किया है, तो उनको ये फैमिलियर है, उनको फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स है तो उनका आप कॉलेज में संपर्क कीजिए, कॉलेज वाले भी इसके रिगार्डिंग आपको हेल्प करेंगे कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है और उस फॉर्म को आप फिर ऑनलाइन जाकर भर सकते हो। तो चलिए, सिर्फ मेरे स्कॉलरशिप के लिए एक 31st अगस्त लास्ट डेट है, उसके बाकी के सभी स्कॉलरशिप के लिए आपको 10th अक्टूबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो अब चलेंगे उसकी तरफ, अपना जो मेन सेक्शन है कि हमें आप स्कॉलरशिप स्कीम वाइज एप्लीकेशन करना है। तो आपको पता है आपने हमने नया रजिस्ट्रेशन किया है, फिर लॉग इन भी करके हमने प्रोफाइल भी कंप्लीट की है, तो फिर से लॉग इन करके जाएंगे आगे। तो फिर ये लॉग इन का स्क्रीन है, आपको पता होगा। तो जैसे लॉग इन हो जाएंगे तो हम आएंगे मेन अपने डैशबोर्ड पर, तो वहां पे फिर आपको आपके जैसे आपने प्रोफाइल कंप्लीट की तो आपके प्रोफाइल के अनुसार वो आपको स्कीम सजेस्ट करता है, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो तो फिर आप उस स्कीम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिर्फ आपको सिंपल एक्शन लेनी है, अप्लाई पे क्लिक करना है और जो जो स्कीम आपको होगी एलिजिबल वो आपको वहां पे दिखाई देगी, या फिर अगर वहां पे आप चले गए लेफ्ट हैंड साइड में जो मेनू है तो वहां से भी आप स्कीम बहुत सारी है वहां पे भी आप देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं तो आपको एरर देगा कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप देख सकते हो कि आप किस किस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। तो जैसे आपको बाजू में जो है जीआरएस है, डाउनलोड जीआरएस में, तो आपको स्कीम की पूरी जानकारी वहां पे अवेलेबल है। पिछले बहुत सारे जीआर भी उन्होंने वहां पे अपलोड करके रखे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है स्कीम का मोटो, क्या है स्कीम, कौन रन करता है, इसके क्या नियम है और इससे मुझे कितना फायदा होगा, तो ये सब वहां पे अवेलेबल होगा। उसके बाद जब हम जाएंगे आगे तो फिर कुछ सिर्फ एडिशनल, क्योंकि हमने प्रोफाइल पूरी भरी है तो जो लगने वाला डेटा है कॉमन वो उनके पास है, तो सिर्फ हमें एडिशनल जो इंफॉर्मेशन चाहिए
उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, तो बस उतना ही हमें भरना है। यहाँ पे सिंपल सा है, आपको पूछेगा कि आपका टाइप क्या है, मतलब रिन्यूअल करनी है स्कॉलरशिप या फिर नया है, तो यहाँ पे आप सिर्फ रिन्यूअल एप्लीकेशन को नो बोल दीजिए, देखिए नए स्टूडेंट्स, और फिर पूछेगा आपको कि क्या आपने अलग अलग स्कीम के लिए, थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है कि आपने कोई स्कॉलरशिप स्टाइपेंड लिया है, अगर आपने यस बोल दिया तो फिर वो आपको बोल देगा कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको वहां पे नो बोलना है और लेना भी नहीं, मतलब दूसरी स्कीम के लिए आपने अप्लाई नहीं करना। जनरली कोई भी एक ही स्कीम, गवर्नमेंट की दो स्कीम आप नहीं ले सकते, कोई भी एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए तो आप एक ही स्कीम का फायदा ले सकते हो, तो आपने यहाँ पे ऑब्वियसली नो आएगा। और उसके बाद फिर पूछेगा आपको ये ईबीसी का है, तो फिर आपको कितने फैमिली मेंबर ने, आपका नंबर कितना है फैमिली में, वो पूछेगा, आप उसको डाल दीजिएगा आप कितने नंबर पे है। और फिर अंडरटेकिंग का एक है जो आपको डाउनलोड करना है, भरना है, पेरेंट्स की उस पर साइन लेनी है और वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि टीएफडब्ल्यू की ट्यूशन फी वेवर स्कीम में जो स्टूडेंट्स बेनिफिट लेते हैं तो उनको दूसरी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो वो पूछेगा आपको कि आप टीएफडब्ल्यू से हो, अगर हो तो फिर भी आपको बोल देगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, नो बोल के आप सेव कर, यहाँ पे डेटा सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करोगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे उसकी समरी दिखाई देगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या भरा है, पूरा डेटा पूरा समरी यहाँ पे वो आपको दिखाई देगी, और उस समरी के बाद आप फिर आपको एक्सेप्ट करनी है उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, और उसे फॉर्म को सिंपल सा सबमिट करना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो फिर सबमिट करने के बाद आपके पूरे ऑप्शन आपका नाम देगा, फिर आपका एक ऑप्शन आईडी भी आपको दिखाई देगा वहां पे, और फिर आप नोट करके रखिए, जरूरत नहीं आप लॉग इन करेंगे तो वहां पर डैशबोर्ड पे भी आपको दिखाई देगा कि आपने कौन सी स्कीम के लिए एप्लीकेशन किया है, अप्रूव्ड कितने एप्लीकेशन है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन आपने कितने हैं, और कितना फंड डिसबर्स आपको हुआ है, तो उसका पूरा ब्यौरा भी यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे एप्लीकेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन आईडी आएगा, आप एप्लीकेशन आईडी पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या उसको एप्लीकेशन रिसीव है, कॉलेज ने उस पर क्या एक्शन लिए, तो उसकी दो तीन प्रोसेस होती है, कॉलेज अकाउंट से फिर प्रिंसिपल अकाउंट को जाएगा, प्रिंसिपल अकाउंट से फिर पर्टिकुलर स्कीम के जो होल्डर है, स्कीम इशू जिन्होंने किए उनके डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर वो प्रोसेस करेंगे, वो आपको वहां पे दिखाई देगा। अगर आपने गलती की है और फॉर्म आपको ये विड्रॉ करना है तो फिर एक्शन में जाकर आप उस कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ये एक बार इनवर्ड हो गया फॉर्म उधर कॉलेज में तो फिर आप नहीं कर पाओगे, उससे पहले यहाँ पे कैंसिल आप कर सकते हो। दूसरी बात है फिर आप व्यू फॉर्म पे कर क्लिक करेंगे तो फिर आपका वहां पे पूरा फॉर्म भी दिखाई देगा। बाकी की जो डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बात की हमने, वहां पे अपलोड कर रहे हैं तो वो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में जो टैग है लेफ्ट हैंड साइड में मेनू है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आप चूज कीजिएगा, आपका कौन से डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा, उसके अनुसार फिर स्कीम आएगी, वहां पे स्कीम सेलेक्ट कीजिएगा, और स्कीम सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको वो डिटेल्स वहां पे देगा एफिडेविट की, वो सिर्फ आपको ये डाउनलोड करना है और प्रिपेयर करके उसको अपलोड करना है, और जब आप अपलोड करोगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगली प्रोसेस क्या होती है, क्या होगा उसके बाद, और आपको कैसे पता चले जाएगा कि डिसबर्समेंट आया है, क्या प्रोसेस है उसकी, कैसे होता है आगे, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम आपको उसके बारे में भी अवगत कराएंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कि बाकी की जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स है, जो अच्छी अच्छी स्कॉलर स्कीम है जो आप जिसका फायदा आप ले सकते हो, सभी स्टूडेंट ले सकते हो, और वो सारी स्कीम का मैं आपको कोशिश करूंगा देने की वन बाय वन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, देखेंगे कि और कौन सी स्कीम है ऐसी प्राइवेट स्कॉलरशिप जो सभी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उस स्कीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। रुकते हैं इस वीडियो में यहाँ पर, मिलेंगे फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, रहिएगा मेरे साथ, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, थैंक यू।